शनि की साढ़े सती हमेशा बुरी नहीं होती, बुलंदियों पर भी ले जाते हैं शनि। ये धारणा गलत है कि साढ़े सती और महादशा में हमेशा परेशान करते हैं शनि। शनि की साढ़े सती के तीन चरण होते हैं जिसमें मिलते हैं अलग अलग फल। अच्छा कर्म करने वालों को कभी परेशान नहीं करते हैं कर्म फलदाता शनिदेव। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। आज की जो मेरी पोस्ट है वो शनिदेव को लेकर है। ये वही शनिदेव है जिनको लेकर के बहुत से पोंगा पंडित लोगों को खूब डराते हैं कि शनि आ गए हैं, अब न जाने जिंदगी में कहां कहां उथल पुथल हो जाएगी, शनि ऐसा कर देंगे, शनि वैसा कर देंगे, और फिर शनि के उपायों के नाम पर कई ज्योतिषी और पोंगा पंडित हमें उलझा करके रख देते हैं। खासकर जब किसी व्यक्ति को शनि की महादशा चल रही होती है, या शनि की साढ़े सती चल रही होती है, या शनि की अंतरदशा चल रही होती है, या शनि की ढैया चल रही होती है, तो शनिदेव के नाम पर कई ज्योतिषियों की दुकानदारी भी चलने लगती है और बहुत से लोग शनि के नाम पर भोली भाली जनता को डराकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। शनिदेव के बारे में एक बहुत गलत धारणा हमारे मन में बिठा दी गई है, जबकि ये वही शनिदेव हैं जो रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की क्षमता रखते हैं। हमारी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति हमारी लाइफ की दशा और दिशा काफी हद तक तय कर देती है। शनि सिर्फ बुरा कर्म करने वालों को बुरा फल देते हैं, दंडित करते हैं, सभी को परेशान नहीं करते। शनि अपनी दशा और अपनी साढ़े सती और अपनी ढैया में बहुत से लोगों को तो जबरदस्त सफलताएं दे जाते हैं। आज की इस पोस्ट में मैं स्पेशल शनिदेव के बारे में आपको बताने आया हूं। हमारे ज्योतिष में नौ ग्रह हैं और इन नौ ग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश का, न्याय का देवता कहा जाता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि वैदिक ज्योतिष में शनि को सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह माना गया है। बहुत धीरे धीरे चलते हैं तभी इन्हें शनि शनि कहा गया है। एक राशि में ये 2.5 साल रहते हैं और यही वजह है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में शनिदेव का प्रभाव अधिक समय तक रहता है। शनिदेव को तर्क, अनुशासन, कानून व्यवस्था, धैर्य, कड़ी मेहनत और स्ट्रांग विल पावर का प्रतीक भी माना गया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनि की साढ़े सती हर किसी व्यक्ति की जिंदगी में आती है। एक दीर्घ आयु वाले व्यक्ति यानी कि एक पूर्ण आयु वाले व्यक्ति की जिंदगी में शनि की साढ़े सती का दौर 3 बार आता है। वहीं ज्यादातर लोग शनि की साढ़े सती से अपने जीवन काल में 2 ही बार गुजरते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शनि बहुत धीमी गति से चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और हमारे ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों को 2.5 साल से मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 साल लगते हैं, यानी 12 राशियों के भ्रमण में शनिदेव को 30 साल लग जाते हैं और वो 30 साल के बाद फिर से एक राशि में दोबारा आते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनि की साढ़े सती के भी 3 हिस्से होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहले चरण में साढ़े सती की शुरुआत होती है, दूसरा साढ़े सती का पीक होता है, चरम कह सकते हैं आप, और तीसरे चरण को हम आम बोलचाल की भाषा में उतरती हुई साढ़े सती कह देते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस समय मकर राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर शनि की साढ़े सती चल रही है। कर्क राशि वालों पर और वृश्चिक राशियों पर शनि की ढैया चल रही है और जो मकर राशि है उस पर उतरती हुई साढ़े सती चल रही है। जो कुंभ राशि है उस पर शनि का सेकंड फेज चल रहा है, यानी चरम काल चल रहा है, और जो मीन राशि है उसका फर्स्ट फेज चल रहा है, पहला चरण चल रहा है। शनि की साढ़े सती का हर चरण 2.5-2.5 साल का होता है। इस तरह पूरी साढ़े सती खत्म होने में, यानी तीनों चरण पूरे होने में 7.5 साल लग जाते हैं, इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में हम इसे साढ़े सती भी कह देते हैं। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारी कुंडली में शनि किस पोजीशन में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, अपनी नीच राशि में बैठे हैं, ये देखा जाना भी बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी की कुंडली को एनालाइज करते हैं, किसी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो हम सिर्फ ढैया देख करके या साढ़े सती देख कर या महादशा देख करके अपनी प्रेडिक्शन नहीं करते, बल्कि कुंडली में शनि की स्थिति का बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करना पड़ता है। शनि पर किस किस ग्रह की दृष्टियां पड़ रही हैं, शनि की दृष्टि कहां पड़ रही है, बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है।
मेरा जो 35 सालों का ज्योतिष का अनुभव है उसके आधार पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब शनि की साढ़े सती के शुरुआती 2.5 साल होते हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में चढ़ती हुई साढ़े सती भी कह देते हैं, उसके लक्षण इस तरह दिखते हैं कि कई बार हमारे खर्चे अचानक से बढ़ने लगते हैं, कई बार हमारे चलते हुए काम में थोड़ा विघ्न आने लगता है, या हमारी नौकरी या बिजनेस में हमारे किसी के साथ थोड़ा कन्फ्रंटेशन होने लगती है, विवाद होने लगता है, टकराव होने लगता है। कई बार हमें शनि की साढ़े सती के शुरुआती 2.5 सालों में पैर में मोच लग सकती है, चोट लग सकती है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए और बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। शनि की साढ़े सती शुरू होने पर हमें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को व्हीलचेयर या स्टिक दान करनी चाहिए और किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की, बहुत गरीब व्यक्ति है, उसकी कोई हड्डी टूट जाती है तो अपने खर्चे पर उसका इलाज करवाना चाहिए। शनि की चढ़ती हुई साढ़े सती फिर हमें कोई परेशानी नहीं देगी, हमारे रास्ते आसान होते चले जाएंगे। इसी तरह जब शनि की साढ़े सती के बीच के 2.5 साल होते हैं, जिन्हें चरम काल कहा जाता है, पीक आवर कहा जाता है, उनमें कई बार हमारा आलस्य बढ़ने लगता है, हमारा वजन बढ़ने लगता है या छोटे मोटे हेल्थ इशू हम फेस करने लगते हैं, तो इसमें भी घबराना नहीं चाहिए बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। अगर हमने किसी मजदूर से कोई काम करवाया है तो तुरंत उसे भुगतान कर देना चाहिए, यानी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे पूरे पैसे दे देने चाहिए, उसके साथ कोई मोल भाव नहीं करना चाहिए। शनि इन्हीं मेहनती लोगों को, इन्हीं गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और जब हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादती करते हैं तो शनिदेव हमें दिन में तारे दिखाते हैं। जब हम जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो शनिदेव हमारे मददगार बन जाते हैं। और अब बात करते हैं शनि की साढ़े सती के लास्ट फेज की, अंतिम चरण की। और जब शनि की साढ़े सती का अंतिम चरण होता है, यानी उतरती हुई साढ़े सती होती है, तो शनिदेव हमसे कोई नया काम भी शुरू करवा देते हैं, हमें अचानक सफलताएं देना शुरू कर देते हैं। कई बार शनिदेव हमसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई उद्यम या ऐसा कोई कारखाना लगवा देते हैं जिसका हमें अगले 27 साल तक फायदा मिलता रहता है, यानी कि दीर्घ अवधि का हमसे इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, उसका लंबे समय तक हमें बेनिफिट मिलता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनि अगर कुंडली में छठे, तीसरे, छठे, आठवें और 12वें घर में उच्च राशि में है तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा कर्क राशि में है और शनि का बल अगर कम है तो साढ़े सती के दौरान शनि व्यक्ति को परेशान नहीं करते। बलवान चंद्रमा की अगर आपको दशा चल रही है तो शनि के साढ़े सती के दौरान नुकसान की बजाय शनिदेव बहुत ज्यादा लाभ और तरक्की भी दे देते हैं। इसी तरह शनि की साढ़े सती के दौरान अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो भी शनि महाराज परेशान नहीं करते। शनि देव हमसे डटकर मेहनत करवाते हैं और उसका लाभ भी हमें देते हैं। हालांकि शुभ परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग जाता है लेकिन शुभ परिणाम शनिदेव देते जरूर हैं। मैंने बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिसमें शनिदेव की साढ़े सती के दौरान व्यक्ति को अचानक ऊंचा पद मिला है, अचानक लाभ हुआ है, किसी पॉलिटिशियन को अचानक मंत्री बनने का सौभाग्य मिल गया है, साढ़े सती के दौरान अचानक किसी व्यक्ति को विदेशों से लाभ हो गया है और विदेश यात्रा के योग बन गए हैं, साढ़े सती के दौरान व्यक्ति की प्रमोशन हो गई है, साढ़े सती के दौरान उसको मनचाहा स्टेशन मिल गया है, साढ़े सती के दौरान उसके घर में संतान सुख मिला है, साढ़े सती के दौरान उसने नया वाहन खरीदा है, नई दौलत बनाई है, नया फ्लैट खरीदा है। यानी ऐसा व्यक्ति साढ़े सती के दौरान भी मैंने बहुत ऊंचाइयों पर जाते और एक खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करते देखा है। शनि हमें शुभ फल देते रहे इसके लिए हमें, जिनको साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, तो हमें शनि के मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। अपना आचरण और अपना व्यवहार हमें अच्छा रखना चाहिए। अपने भोजन में सरसों के तेल, काले चने और गुड़ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। शनिवार को छायादान भी करना चाहिए, यानी एक कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखकर उस तेल को दान करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस समय शनिदेव
कुंभ राशि में उल्टी चाल चल रहे हैं और 4 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। जब 4 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे तो कई राशियों को शुभ फल प्रदान करना शुरू करेंगे। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारियों के लिए, अलग अलग ग्रहों के नेचर से संबंधित जानकारियों के लिए, अलग अलग ग्रहों के ट्रांजिट होने, राशि परिवर्तन करने, गोचर में तब्दीली आनियों की जो आप जानकारियों के लिए मेरे पेज से, मेरे एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से, मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।